नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 5 अक्टूबर से, तो 5 अक्टूबर 2021 को राहु अपना नक्षत्र बदल लेंगे। आप अक्सर वीडियो देखते हैं जिसमें हम बात करते हैं राहु या अन्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत अहम रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में। आगे आने वाले वक्त में दीपावली है, दशहरा है, धनतेरस है, भैया दूज है, नया साल है, तो ये सारे जितने भी त्यौहार हैं आपके शुभ त्यौहार, ये सब कुछ इसी राहु के नक्षत्र में घटित होंगे। तो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि क्या ये त्यौहार जो हैं हमें खुशियां देंगे या नहीं देंगे, तो हमारी उम्मीद पे हम कितना खरे उतरेंगे इसका निर्णय कहीं ना कहीं ग्रह सितारे करते हैं, और उसमें से एक ग्रह अहम रोल है ग्रह राहु का, क्योंकि दीपावली धन का उत्सव है, धन कमाना, और राहु कलयुग में धन देने वाले ग्रह माने गए हैं। तो राहु का गोचर यानी राहु का नक्षत्र परिवर्तन जो है 5 अक्टूबर को होगा, लेकिन ये आपकी आगे आने वाली दिवाली, धनतेरस, विजयदशमी, नए साल पर इसका प्रभाव होगा। राहु सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली हैं, जितने भी ग्रह हैं उन सब में राहु सबसे ज्यादा बलशाली हैं, क्योंकि राहु ही एकमात्र ग्रह हैं जो राजा सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं, बाकी किसी ग्रह के अंदर ये ताकत या ये क्षमता नहीं है। राहु ही एक ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, और सूर्य से दुश्मनी लेना, राजा से दुश्मनी लेना किसी हिम्मत वाले का काम हो सकता है, अन्य छोटे मोटे ग्रहों की बस की ये बात नहीं। इसलिए राहु को अत्यधिक बलशाली ग्रह माना गया है। ज्योतिष के जो ज्ञाता ऋषि मुनि हैं उन्होंने कलयुग के राजा राहु को माना है, और वो बलशाली मानते हैं राहु को सबसे ज्यादा, क्योंकि राहु अच्छे तो सब कुछ अच्छा। क्योंकि इस धरती पर जितना जो आदमी प्रसिद्ध है या तो कुछ जो प्रख्यात है, या तो किसी ने बहुत अच्छे काम किए तो वो बहुत प्रसिद्ध है, या तो वो कुख्यात है यानी कि बदमाश है, दो ही लोग जो हैं इस धरती पर सबसे ज्यादा नाम कमाते हैं, या तो प्रख्यात या तो कुख्यात, यानी एक वो जो साधु संत हो या एक वो जो लुटेरा हो, तो इन दो लोगों के अलावा इस धरती पर और किसी तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो राहु की कृपा से, राहु के आशीर्वाद से कह लें, कठिन से कठिन काम आप चुटकियों में कर सकते हैं। जो कठिन काम जिसको कोई करने की हिम्मत ना करे, ऐसी समस्या आ जाए कि इस पहाड़ को गिराना है, तो वही व्यक्ति गिरा सकता है इस पहाड़ को जिसका राहु बलवान होगा, वही हिम्मत करेगा, वही जुगाड़ लगाएगा, वही तरीके निकालेगा। तो राहु बहुत ही बलशाली ग्रह हैं। राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा 5 अक्टूबर 2021 को, रोहिणी नक्षत्र से निकलकर कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहाँ पर 14 जून 2022 तक रहने वाले हैं। नक्षत्र पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम राशियों के बारे में जानते हैं तो 9 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ग्रह एक ही राशि में बैठने के बाद अलग अलग परिणाम देते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। राशि एक ही होती है लेकिन सबके लिए परिणाम अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग नक्षत्रों में जब ग्रह जाता है तो उसका भी रिजल्ट हमें देखना चाहिए, सिर्फ राशि का ही नहीं, नक्षत्रों का भी रिजल्ट हमें देखना चाहिए, तो हमें पूर्ण रूप से ये पता चल जाता है कि हमें इस ग्रह का क्या रिजल्ट मिलेगा। नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही विशेष है, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन जब दोनों को हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो ही हम एक सही रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे लाभ हो, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, ये सब कुछ राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर हो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। और भी आगे बातें हैं जो आप सुनते जाइएगा, जानते जाइएगा, ताकि हमें अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने का मौका मिले। कुछ ही दिनों में दशहरा, रामनवमी, दीपावली, धनतेरस जैसे त्यौहार आएंगे, नववर्ष आएगा, तो राहु की कृपा कैसी होगी ये जाने बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि राहु धन के कारक रहे हैं, अचानक से धन देते हैं, बिना मेहनत के भी कई बार धन दे देते हैं।
जैसे सूर्य की राशि सिंह, चंद्रमा की राशि कर्क और शुक्र की राशि वृषभ और तुला पर इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र जिसमें जा रहे हैं राहु, वो सूर्य का नक्षत्र है। सिंह राशि वालों को फर्क पड़ेगा, कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा बलवान होते हैं तो कर्क राशि वालों को भी प्रभावित करेंगे। वृषभ राशि में ही कृतिका नक्षत्र आता है तो वृषभ के स्वामी शुक्र है तो कर्क राशि पर सबसे ज्यादा असर होगा, और फिर उसके बाद वृषभ पर होगा, तुला पर होगा, और उसके बाद सूर्य की राशि पर भी इसका असर पड़ेगा। तो एक नक्षत्र परिवर्तन से देखिए कितना सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कहां कहां पर ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में राहु का अंक है 4, तो जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। किसी भी महीने में अगर आप पैदा हुए हैं 4, 13, 22 और 31 तारीख को, तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का असर होगा, क्योंकि 4 नंबर राहु का अंक होता है। कहने का अर्थ हुआ सिंह राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृषभ राशि और 4, 3, 22, 31 तारीख को पैदा हुए लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। जो लोग सूर्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, जुआ सट्टा विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पैसों का रोटेशन वाला काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनको विशेष लाभ हो सकता है। उनकी राशि जो भी हो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। राहु पैदा जो हुए थे वो राक्षस हुए थे लेकिन अमृत पीकर देवता बन गए, तो राहु जो है सिर्फ सर है। राहु क्या है? सिर्फ सर, और सर के अंदर दिमाग होता है, तो राहु के अंदर राम भी है, राहु के अंदर रावण भी है, क्योंकि पैदा राक्षस हुए थे बाद में अमृत पीकर देवता बन गए। तो राहु अच्छा भी है, राहु बुरा भी है, राम भी है, रावण भी है। राहु बुरा काम भी करवाते हैं और सुंदर काम भी करवाते हैं। दानव और मानव दोनों की रचना राहु करते हैं। तो मैंने पहले कहा राहु प्रख्यात भी हैं और राहु कुख्यात भी हैं। राहु से क्या लेना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके कर्मों के ऊपर, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। कृतिका नक्षत्र को स्त्री नक्षत्र बोला जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं जो कि अग्नि तत्व है, धन वैभव सम्मान का नक्षत्र है। बैलगाड़ी जो होती है या कहें बैलगाड़ी के आगे जो बैल बंधा होता है वो वृषभ राशि का चिन्ह है। तो पहले के जमाने में जिसके पास जितने बैल होते थे वो उतना ही धनवान होता था। कि कहते हैं ना हमारे घर में 25 बैल है तो हम एक संपन्न व्यक्ति हैं। तो अब क्या है, अब जिसका जितना बड़ा बंगला, जितनी बड़ी कार, मोटरसाइकिल खड़ी है उससे हम जज करते हैं कि ये व्यक्ति कितना अमीर है। पहले क्या होता था, बैल और बैलगाड़ी, क्योंकि पहले कार मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी तो बैलगाड़ियों पर जाते थे, सजी सवरी बैलगाड़ी, 4 बैलगाड़ी खड़ी है तो इसका मतलब बहुत पैसे वाले हैं। आज 4 गाड़ियां खड़ी है मोटर गाड़ी तो बहुत पैसे वाले हो गए, तो आज इसका उल्टा हो गया। तो व्यक्ति का स्टेटस क्या है वो बैल से पता चलता था, यानी पहले बैल से आजकल मोटर गाड़ी से। कि तो कृतिका नक्षत्र यही दिखाता है। सूर्य हमेशा वक्त पर आता है, वक्त पर डूबता है, यानी पंचुअलिटी होती है। कृतिका नक्षत्र जो है वो गतिशील है, काम है, टूर है, ट्रेवल है, पैसा है, पैसा भी देखिए चलता रहता है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस से जुड़े हुए काम है। और यह राहु का परिवर्तन ऐसे लोगों जो इन कामों से जुड़े हैं उनके लिए विशेष लाभकारी होगा। राहु को यह नक्षत्र विशेष पसंद है। विदेश यात्रा, वाहन खरीदना, घर लेना, नया घर लेना कृतिका नक्षत्र में अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। विदेश जाने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। लाभ उठाएं इस नक्षत्र परिवर्तन का, आगे बढ़ने का रास्ता राहु खोलने वाले हैं। और अग्नि संबंधी काम, इंजीनियरिंग वाले काम, फाइनेंस, सेना, जासूस, सिक्योरिटी, विदेश से जो भी संबंध होते हैं काम के, उनके को भी लाभ होने वाला है। रोटेशन करना, जो पैसे का रोटेशन करते हैं, पैसे को इधर उधर घुमाते हैं, उनका काम बढ़िया चलेगा, शेयर मार्केट का काम बढ़िया चलेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं, उनका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, राहु 8 महीने 10 दिन तक कृतिका नक्षत्र में होंगे। अप्रैल मई में थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी होगी, बाकी आपको यहाँ पर आपके प्लानिंग और कर्मों के हिसाब से राहु फल दे देंगे। तो आपने कृतिका नक्षत्र के बारे में
छोटी सी जानकारी जान ली कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या उपाय करने पड़ेंगे जिससे राहु कंट्रोल में रहेंगे, ये मैं आपको आपकी राशि के साथ साथ बताता रहूंगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 8, 9 और 12 भाव को यहां पर एक्टिवेट करेंगे, यानी 8वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे राहु। 8वां भाव अच्छा नहीं है, 12वां भाव भी अच्छा नहीं है, 9वां भाव ठीक है। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी आएगी, शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में आप फंस सकते हैं, गलत काम या गलत रास्ते पर चलकर परेशानियां हो सकती हैं, दोस्तों से धोखा मिल सकता है, कड़ी मेहनत के बाद भी फल ना मिले, धोखाधड़ी हो जाए, झूठे आरोप लग जाए, मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं। कई बार राहु तंत्र मंत्र के चक्कर में भी आपको फंसा कर बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। विदेशी धरती पर आप स्थायी रूप से अगर छोटी अवधि के लिए बसने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए फायदे की बात होगी। विदेश जाने वालों के लिए लाभ के रास्ते राहु यहां पर खोलेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिलेगा, आपकी तैयारी होगी, आपकी तरफ से 100% होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। रातों की नींद खराब हो सकती है, बार बार अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, धन निवेश सोच विचार कर करें, वाहन संभल कर चलाएं, दादा पिता से मतभेद संभव है। अशुभ राहु केवल किस्मत को ही नहीं भविष्य को भी प्रभावित करेगा, वर्तमान को ही नहीं आगे आने वाले दिनों को भी प्रभावित करेगा। राहु अचानक से परेशानी दे देगा। धार्मिक कार्यों में, विदेश संबंधी कामों में कुछ यात्रा आपकी संभव है जो लाभकारी होंगी। तो आपको पेट, स्किन, दांत की प्रॉब्लम हो सकती है और भी अन्य प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको या आपके परिवार में किसी को। वाणी को मीठा रखने की कोशिश रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए सावधान रहना और उपाय करना उचित होगा, मैं इसको बहुत अच्छा परिवर्तन आपके लिए नहीं कहूँगा। राहु का एक सरल उपाय है कि आप मोर पंख अपने पास, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने फैक्ट्री में रखें, इससे राहु के अशुभ प्रभाव में थोड़ी राहत मिलती है। बाकी आप जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार उपाय जरूर करें, खासकर कन्या राशि वाले, तभी आपको इन शुभ अवसरों का शुभ लाभ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। बाकी छोटी छोटी सावधानियों से भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।